वंदे मातरम साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जन कल्याण ऐप किन किन को डाउनलोड करना है, किस तरीके से डाउनलोड करना है, उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी थी। लेकिन कुछ व्यूअर्स का कमेंट था कि इसको लाइव करके आप बताएं कि जन कल्याण ऐप को डाउनलोड करके उसका सर्वे किस तरीके से करना है। तो बहुत ही आसान काम है सर्वे करना, और आप कुछ ही मिनटों में, यानी 2 से 3 मिनट के अंदर आप एक व्यक्ति का सर्वे करके इसको पूरा कर सकते हैं। और वैसे जो भी टारगेट है वो एक व्यक्ति को 100 लोगों का जो भी सर्वे करना है, फेस टू फेस सर्वे करना है। तो इसके लिए किस तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस करना है, तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको अपना जो भी मोबाइल है उसमें जा करके आपको यहाँ मोबाइल में जो भी आपके प्ले स्टोर है उसमें जाना है, और यहाँ से जन कल्याण ऐप आपको डाउनलोड करना है। अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो उसको ओपन करना है, और अगर डाउनलोड नहीं किया तो जन कल्याण ऐप सर्च करके आपको करना है। और सबसे DOI TC वाला जो ऑप्शन है इसमें से आपको ये GOR वाला ये जन कल्याण ऐप आपको करना है। इस तरीके का जो जन कल्याण ऐप खुलेगा जिसमें राजस्थान का नक्शा होगा, मुख्यमंत्री महोदय का जो भी संदेश है, उसके बाद में यहाँ नीचे कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको आगे का जो प्रोसेस है वो करना है, रजिस्ट्रेशन का काम करना है। इसमें जैसे आप सबसे ऊपर की साइड में फेस टू फेस सर्वे है, इस पर आपको राइट साइड में जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको नाम, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट और सर्वेयर की कैटेगरी, ये आपको चीज़ें सेलेक्ट करनी है। अब जैसे सबसे पहले आपको नाम है वो यहाँ आपको एंटर करना है अपना, आप जैसे हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप नाम एंटर करना चाहें कर लें, लेकिन इंग्लिश में करें ताकि ठीक रहेगा। और उसके बाद में ये जैसे मैंने नाम एंटर कर लिया, उसके बाद में आपके जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है, और उसी मोबाइल से आगे भी आपको सर्वे का काम करना है। तो वो मोबाइल नंबर आप एक बार जो भी सही है वो आप एंटर करें। उसके बाद में यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसमें से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से आपके राजस्थान के सारे 50 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए वहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको सर्वेयर की कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। अब इसमें जैसे आंगनवाड़ी वर्कर है, आप आशा सहयोगिनी है, महात्मा गांधी मोटिवेटर है, नरेगा मेट है, अदर वॉलंटियर है, राजीव गांधी युवा मित्र है, राजीविका सखी है, या शहरी रोजगार ग्रामीण गारंटी मेट है, या विद्यालय असिस्टेंट या विद्यालय सहायक है। आपकी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, और यहाँ से जस्ट जो भी कैटेगरी आपके लागू होती हो उस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको बता दूँ कैसे करना है। तो यहाँ से जैसे आपके लागू होने वाली जो भी कैटेगरी है उसको आप अच्छी तरह से सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद में जैसे ये इसको थोड़ा सा मैं आपको आगे करके बता देता हूँ, ये थोड़ा सा आगे जैसे यहाँ इस तरीके से आपको क्लिक करना है। ये आपके जैसे सर्वेयर की डिटेल है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, आपकी जो भी कैटेगरी होगी वो आपने सेलेक्ट किया, आपको ओके पे क्लिक करना है, और इस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो गया। अब इसमें जिसका भी आप सर्वे कर रहे हैं उसका नाम, मोबाइल नंबर, जिला, लिंग, आयु और व्यवसाय, ये चीज़ें आपको एंटर करनी है। उसके बाद में 2 प्रश्न है, उनमें आपको यस नो पे जो भी है वो करना है, और उसके बाद में आपको जो भी सुझाव देना है वो सुझाव देना है। तो क्या सुझाव देना है वो मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले आपको जो अपना नाम है वो सेलेक्ट करना है, उसके बाद में मोबाइल नंबर, आयु 18 से 20 या जो भी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी है, और जो प्रश्न है उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, और जो व्यवसाय में आपको किसान है, गृहणी है, निजी क्षेत्र में प्रोफेशनल है, विद्यार्थी है, श्रमिक है, या जो भी आप है उस जो भी कैटेगरी आपके लागू होती हो वो आपको सेलेक्ट करनी है। और 2 प्रश्न है कि क्या आपने महंगे रात कैंप में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाया, हाँ या ना में उत्तर देना है। इसके अलावा क्या आपने राजस्थान सरकार की किन्हीं 2 योजनाओं का लाभ उठाया है, हाँ या ना का उत्तर देना है। यानी उसके बाद में एक जो सुझाव आपको देना है वो सुझाव ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान 2023 को, जैसे इसमें मैं आपको दोबारा बता दूंगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ शुरुआत करेंगे फेस टू फेस सर्वे में, तो आपको अपना नाम इंटर करना है। अब जैसे मैं यहाँ नाम इंटर कर रहा हूँ, तो आपको जो भी नाम है वो आपको इंटर करना है, जिस भी व्यक्ति का आप सर्वे कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ इंटर करना है। जैसे मैंने एक नाम इंटर कर लिया, उसके बाद में उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको चेकबॉक्स से सेलेक्ट कर लेना है कि ड्रॉप डाउन बॉक्स से आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर सेलेक्ट हो गए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको मेल फीमेल या अन्य में जो भी है वो जो भी कैटेगरी लागू होती हो वो आपको सेलेक्ट करनी है। अब जैसे मैंने यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मेल सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद में जो एज कैटेगरी है वो आपके जैसे जिस कैटेगरी में वो कार्मिक है या व्यक्ति है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे जो 2 प्रश्न है जिसमें रजिस्ट्रेशन कराया या नहीं, लाभ उठाया या नहीं किन्हीं योजना का, तो वो आपको यस या नो करना है। और उसके बाद में यहाँ आपको जो सुझाव देना है कि श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं, इसके लिए समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव आमंत्रित करके राज्य का विजन 2030 दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, और इसके लिए आपको जो भी सुझाव देना है, राजस्थान को 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। अब इसमें आप जो भी आपकी तरफ से सुझाव देना चाहें राज्य सरकार की योजना के बारे में, या अपनी तरफ से जो भी सुझाव देना चाहें उस सुझाव को आपको यहाँ लिखना है। कोशिश करें कि अगर हिंदी फॉन्ट में लिख सकें तो हिंदी फॉन्ट में लिखें, अन्यथा आप जो भी आपकी सहूलियत हो उस भाषा में आपको लिखना है। अब जैसे मैंने यहाँ कुछ लिख दिया है जो भी, जैसे राज्य सरकार की जो योजनाओं से आमजन को काफ़ी फायदा मिल रहा है, आप अब सुझाव देना चाहते हैं कि जो भी सुझाव देना चाहते हैं कि भाई जैसे इसमें
व्यवस्था सही है या नहीं है, या और कुछ सुझाव की आवश्यकता है, या अन्य जो भी जो भी सर्वेकर्ता सुझाव देना चाहे वो सुझाव आपको यहाँ लिखना है, एंटर करना है, और उसके बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे मैं ये सुझाव टाइप कर रहा हूँ, और सुझाव टाइप करना आपको एक आध मिनट का समय लग सकता है, और बाकी जो भी ऊपर की जो प्रोसेस है जिसमें नाम मोबाइल नंबर वगैरह, कुल मिला के 2 से 3 मिनट में आप एक व्यक्ति का सर्वे कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, इसमें OTP वगैरह का फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आसानी से ये आराम से हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि जैसे आमजन को लाभ मिल रहा है और व्यवस्था में सुधार अपेक्षित है, जो भी व्यूअर ने कहा है वो एक बार आप चेक कर लें, मोबाइल नंबर, नाम, जिला, मेल फीमेल, एज ग्रुप है सेलेक्ट कर लिया, किसान है, विद्यार्थी है, क्या कैटेगरी है, उसके बाद में ये नीचे सबमिट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आ जाएगा कि सेव्ड सक्सेसफुली। इस तरीके से ये आपका जो भी है वो सर्वे फेस टू फेस एक व्यक्ति का हो गया। अब दूसरे व्यक्ति का आपको सर्वे करना, तो इसी तरह से आपको उसका भी नाम वगैरह ये सारे, मोबाइल नंबर, जिला, लिंग, ये सेलेक्ट करके आपको करना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका था, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके सर्वे का काम है वो करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप 2 से 3 मिनट में एक व्यक्ति का सर्वे कर सकते हैं, और जिनको भी सर्वे करने के लिए कहा गया है वो यथाशीघ्र इस सर्वे को पूरा करें। और इस संबंध में अगर कोई भी अपडेट होगी तो मैं अगली वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। कुछ जो भी साथी थे उनका कमेंट था कि इसके संबंध में विस्तार से वीडियो बनाया जाएगी, किस तरीके से ऐप को डाउनलोड करना है, क्या प्रोसेस करना है, तो मैंने पूरा बता दिया। आपको प्ले स्टोर में जाकर के जनकल्याण ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद में आपको अपने नाम मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद में आपको सर्वे का कार्य शुरू करना है, और बहुत ही कम समय में 2 से 3 मिनट में आप एक व्यक्ति का सर्वे कर सकते हैं, और यथाशीघ्र इस कार्य को आप संपादित करें। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।